मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकरों ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़ दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस बारे में जानकारी दी। नुपुर शर्मा की घटना के बाद ऐसा हुआ है, ये उसका कहना है। इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कहा कि नुपुर शर्मा की घटना के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकरों ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। दो हैकर ग्रुप ड्रैगन फोर्स मलेशिया और हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया दोनों ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। दोनों समूहों ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकरों से ये अपील भी की है कि वे भारत पर साइबर हमला शुरू करें। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने कहा कि हैकर ग्रुप्स ने 2000 से ज्यादा वेबसाइट हैक कर दी हैं। शर्मा इंसिडेंट के बाद ड्रैगन फोर्स मलेशिया का हैकर ग्रुप है और हैक्टिविस्ट ऑफ गरुड़ा इंडोनेशिया का हैकिंग ग्रुप है। इन दोनों ही ब्लैक हैट हैकर ग्रुप्स ने इंडिया पे एक साइबर वॉर डिक्लेयर किया और उन्होंने सारे दुनिया के मुस्लिम हैकर्स को अपील किया कि साइबर वॉर में पार्टिसिपेट करें। हैकर्स ने नुपुर शर्मा के घर और पर्सनल डिटेल ऑनलाइन डाले। इसके अलावा असम के एक क्षेत्रीय चैनल में लाइव टेलीकास्ट के बीच पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया था। हैकर्स ने ठाणे पुलिस की वेबसाइट हैक कर ली थी। यही नहीं, आंध्र प्रदेश पुलिस का पर्सनल डिटेल दिया गया था। लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑनलाइन लीक हुए। लाइव टेलीकास्ट के दौरान न्यूज चैनल के स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और पाकिस्तान का झंडा दिखने लगा। इसके बाद चैनल के टिकर पर नीचे पवित्र पैगंबर हजरत मोहम्मद SAWW का सम्मान करें टीम क्रांति पी के द्वारा हैक किया गया चलने लगा। इस के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट एजुकेशन और इंडस्ट्रीज के वेबसाइट्स को टारगेट करके उनका हैकिंग हुआ है और ये दोनों ही हैकर ग्रुप्स मिला के 2000 से ज़्यादा हैकिंग करने का क्लेम कर रहे हैं। टाइम्स 8 एक चैनल है जिस चैनल पे लाइव पाकिस्तान का फ्लैग भी अनफ्लर हुआ था। आंध्र प्रदेश पुलिस के भी कई सारे डेटाबेसेस लीक हुए हैं। इसी तरह कई सारे गवर्नमेंट डेटाबेसेस भी डार्क वेब पे इन्होंने लीक किए हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड रिलेटेड भी कई डिटेल्स इन्होंने लीक की है। थाने पुलिस का मेन जो पेज है वो भी हैक करके उसको डिफेस किया गया था और नुपुर शर्मा का भी एक वेबसाइट का हैकिंग करने के दौरान उनको डिटेल्स मिला है जिसमें उसका ईमेल आईडी, घर का एड्रेस, फोन नंबर ये सब भी उन्होंने लीक करके हैकर फोरम्स में भी डाला हुआ है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा साइबर वॉर इंडिया पे छेड़ा गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने इस बाबत मलेशिया और इंडोनेशिया सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में अहमदाबाद साइबर क्राइम ने दोनों ग्रुपों के लिए इंटरपोल लुकआउट नोटिस का जिक्र किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये हैकर्स किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए साइबर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने खुद करीब 100 मलेशियन वेबसाइट को स्टडी करके उन टेक्निक्स को जाना है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार से साइबर क्राइम टीम तक सभी अलर्ट हो गए हैं। सभी वेबसाइटों की सुरक्षा को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। अहमदाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए संवाददाता रवि मेघवाल की रिपोर्ट।